गाइज अगर आपके लैपटॉप की स्क्रीन ब्लैक हो गई है या आप बहुत देर तक उस पर काम कर रहे थे तो अचानक से वो स्क्रीन ब्लैक हो गई है या आपने अपने जो लैपटॉप है उसको बहुत दिन बाद अपने यूज के लिए निकाला है और जैसे आप उसे ऑन करते हैं तो उसके बाद जो देखते हैं आपकी स्क्रीन है ब्लैक हो जा रही है और उसके बाद जैसे कि आपका नॉर्मल स्क्रीन दिखनी चाहिए उस तरह से यहाँ पर नहीं शो हो रही है, तो उसके लिए आप करेंगे क्या? नंबर एक पर आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर आपको विंडो के साथ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यहाँ पर बी दबाना है और उसके बाद आप देखेंगे जो आपकी स्क्रीन है वो वापस से ही नॉर्मल हो जाएगी, आपको स्क्रीन जो ब्लैंक आ रही थी वो ठीक हो जाएगी। अगर इसके बावजूद भी नहीं होती है तो आपको दूसरा काम ये करना है, जो आपके लैपटॉप का पावर बटन है उसको आपको 10 सेकंड तक यहाँ पर दबाकर होल्ड रखना है और उसके बाद आप 10 सेकंड के बाद उसे दोबारा से छोड़ के एक बार क्लिक करेंगे और उसके बाद जो नॉर्मली आपका रीस्टार्ट होगा सिस्टम, जिसे एक फोर्स रीस्टार्ट भी बोलते हैं। नंबर तीन पे आपको करना क्या है, जो आपके लैपटॉप की बैटरी है उसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर निकाल देना है, उसके बाद जब आप पावर जो स्विच है लगाएंगे चार्ज करने के लिए पावर बटन दबाना है, उसके बाद जो आपकी स्क्रीन है वो नॉर्मल हो जाती है।